नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी दल की बैठक 16 अक्टूबर को एक बार फिर होने जा रही है। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बार फिर विधायक दल के नेता चुने जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी विधायकों की बैठक भी होगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने सभी विधायकों को 16 और 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इससे पहले ही यह बताया जा रहा है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ 12 अक्टूबर दशहरा के दिन लेने वाले थे, लेकिन अब इस शपथ ग्रहण की तारीखों में बदलाव देखने को मिला है। अब 17 अक्टूबर की तारीख जो है वो तय कर ली गई है और हरियाणा की नई नायब सैनी की जो सरकार है उसका भी पहला शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में न होकर दशहरा ग्राउंड में होने जा रहा है। आपको बता दें कि सेक्टर 5 दशहरा ग्राउंड में मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और इसी ग्राउंड से वर्ष 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी, जिसके बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया जाने वाला है। अब नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले परेड ग्राउंड सेक्टर 5 को शपथ ग्रहण समारोह के लिए चुना गया था, लेकिन वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था कम होने के चलते शपथ ग्रहण का स्थान बदल दिया गया। इस ग्राउंड में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं संजय निषाद का यह भी कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 के चुनाव में कठरी और मजवा निषाद पार्टी को दिया गया था, लेकिन इस बार नहीं दिया गया। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में सीटें ना देने की वजह से नाराजगी बीजेपी के खेमे में संजय निषाद के खेमे में देखने को मिल रही है। जब 2022 में मीरापुर सीट जीतने की वजह से यह सीट फिर से रालोद के पास जा रही है, तो उन्हें भी दोनों सीटें मिलनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि उनकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लगातार बात हो रही है, कोई हलचल या फिर कोई हल इस मुद्दे का जरूर निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पूर्व सांसद संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता और कृष्ण बेदी के साथ आज निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे। उनका यह भी कहना है कि सभी व्यवस्थाएं बड़ी तेजी से चल रही है, लोगों के बैठने, गाड़ियां पार्क करने, खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है कि दशहरा ग्राउंड में लोगों के अधिक बैठने की व्यवस्था होने के चलते स्थान को भी परिवर्तित किया गया है। भव्य स्टेज कहीं ना कहीं इस बार तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बन चुकी है। नायब सिंह सैनी फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर अब आपकी क्या राय बनती है, हमें अपनी राय जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।